अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जनपद इकाई और महानगर इकाई के तत्वावधान में रेलवे स्टेशन स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए महाराणा प्रताप की 426वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसके संबंध में प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह ने बताया कि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में सिसोदिया राजवंश में हुआ था। वे त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रतिज्ञ थे। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में देश और सर्व समाज के मान सम्मान की रक्षा के लिए हमेशा संघर्ष किया। उन्होंने जंगलों में घास की रोटी खाकर, सरिता का पानी पीकर एवं पत्थरों पर सोकर मुगल आक्रांताओं से अपने देश की रक्षा किए तथा मेवाड़ की धरती को मुगलों के आतंक से बचाने वाले ऐसे वीर योद्धा, शूरवीर, राष्ट्र गौरव, पराक्रमी, साहसी राष्ट्रभक्त को क्षत्रिय समाज के साथ साथ सर्व समाज शत शत नमन करता है। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष अनीता सिंह, इंजीनियर विनय सिंह, उग्रसेन सिंह, दीपक सिंह, देवेंद्र प्रताप सिंह, राजू सिंह, मनोज सिंह, अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह ने कहा, जब तक सूरज चांद रहेगा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जिंदाबाद। रणवीर सिंह, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रदेश महामंत्री। आज महाराणा प्रताप की 462वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। हमारे महाराणा प्रताप अपने समाज ही नहीं सर समाज के रहे, इसी नाते आज भारत देश में सर समाज के लोग आज महाराणा प्रताप को पूजते हैं, उनको नमन करते हैं। आज उनकी 462वीं पुण्यतिथि पर हमारे सर समाज के लोग, यह केवल क्षत्रिय समाज ही नहीं, इस आज की पुण्यतिथि में सर समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप अपने लिए ही नहीं सर समाज के लिए इन्होंने काम किया है। यह घास की रोटियां खाए, जंगलों में रहे, पहाड़ों पे सोए, सरिता का पानी पी करके इन्होंने मुगल के आक्रांताओं से भारत को स्वतंत्र करने का काम, अपने राष्ट्र के, देश और समाज की सेवा के लिए हमेशा इन्होंने अपने प्राणों की आहुति देने के बाद, इसी नाते केवल क्षत्रिय समाज ही नहीं महाराणा प्रताप सर समाज के पूजनीय है। और आज इनकी 462वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सर समाज, क्षत्रिय समाज के साथ साथ सर समाज के लोग उनको नमन और वंदन करते हैं।